है एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज गौर दीदी की जो तबीयत थी वो बिगड़ चुकी है, क्योंकि रात को थी बारिश, तो आज बहुत कस के छत तक गीली है। तो आज मौसम भी देखो बहुत सुहाना है, आप लोगों को दिखाते हैं। बारिश हुई थी, इस वजह से वो सूख नहीं पाए, इस वजह से अभी सुबह डाले हम लोगों ने, तो यहाँ पर सूख रहे हैं। और ये देखो यहाँ पर मेरे पौधे खिलने वाले हैं फूल, ये देखो 1 2 3 4 बस 4 खिलेंगे, केवल 4 फूल आएंगे। और ये भी अब हरी भरी हो चुकी है, क्योंकि ये सूख रही थी क्योंकि इसमें पानी नहीं मिला था, इसमें पानी मिल गया है, बारिश हो गई है, इस वजह से ये देखो इसका एक खिल भी गया है। अब इसमें और आएंगे फूल, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे। देख रहे हो आप लोग, ये देखो एक फूल खिल चुका है। अब एक और गुच्छा, इसमें बहुत सारे गुच्छे आते हैं और बहुत फूल होते हैं। तो यहाँ पर ये देखो श्वेता दीदी बैठी है, उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया है। और यहाँ पर ये देखो हमारे पौधे भी हरे भरे हो चुके हैं, देखो गीले हो रखे हैं, ये देखो यहाँ पर गीले हो रखे हैं। और ये भी देखो यहाँ पर भी फूल खिलेंगे, 1 2 2 ओके। और देखो एक चीज दिखाएं, इधर आओ, ये देखो गुइया का पेड़ है, इसमें ये देखो गुइया आ चुकी है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ये है एक, ये है, ये भी है, ये मिर्च का पौधा है, और वहाँ पर भी वो गुइया लगे हैं, लेकिन ये सूख रहे हैं क्योंकि इसमें पानी नहीं मिला था, अब पानी मिल गया है तो ये हरे भरे हो रखे हैं। और यहाँ पर भी देखो ये भी एक गुइया आएगी अभी, ये देखो तुलसी है, इनमें भी पानी मिल गया है। और ये 9 बज गया है, दोनों मिक्स हैं, कितनी हरे, ये देखो कितने हरे भरे हो चुके हैं। आप लोगों के भी जहाँ पर भी ये हो, मतलब आप लोगों के यहाँ पे, वो कमेंट करके बताएं, हमारे यहाँ पे भी पौधे हैं। और ये देखो यहाँ पर भी ये लगे हैं गुइया और मिर्च का पौधा, दोनों ही हैं। और ये तुलसी है, तुलसी मेरे यहाँ पर ठीक ठाक है, पहले बहुत सारी तुलसी थी जब वहाँ पर था, जब ये बना नहीं था पोर्शन, तब बहुत सारी तुलसी थी, लेकिन वहाँ से हटा के इधर पर रखना पड़ा इसको। इस वजह से ये कनेर है, ये भी देखो हरे भरे हो चुके हैं पौधे बहुत सारे। तो चलो हम आपको इसका पूरा ओवरव्यू देखें, मतलब पूरा दिखाते हैं आपको। ₹8:40 हो चुके हैं, तो अभी हम पी रहे हैं शरबत, फिर शरबत पी लेते हैं, उसके बाद जो बनाएंगे हम या पियेंगे कुछ करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। सुबह बनने जा रही है मतलब मसालेदार तुरैया, ये देखो तेल, तो ये रखी है, इनमें मसाला भर चुको है, ये देखो रेडी बना रही है खाना, ये देखो। तो ये मसालेदार, अरे जल्दी जल्दी डर, ऐसे करके डर रहे तुम तो, कैसे काम चले है ए? तो ये देखो इनने तो करैया में धुआं उठाए दो, ये देखो डर जल्दी जल्दी, ऐसे क्या डालो, तेल ऊपर आए रहो, सही से डालो। तो आज चित्रांशु बना रहे है भाई मसालेदार, कहाँ बना रहे मसालेदार, ऐ तुरैया, मसालेदार तुरैया बन रही है, ये देखो जल्दी आ डाल दो डाल दो, ये देखो तुम तो ऐसे करके उड़ रहे हो, चलाओ सही से। तो देखो आज हमारे सब्जी बना रहे, आज बजे मम्मी की तबीयत सही नहीं था, अच्छा तो तुमने पहले ही कहूं बनाई है कि आज ही बनाए रहे, चला कछु नहीं, अब तुम कुफल के रेडी हो रहे, जाके मारे धीरे धीरे करके सब चीज बनाए वो सीख जो। कुशल ग्रेडी का मतलब होता है कि एक ऐसी ग्रेडी जिसे सब काम करना आता हो, ये और का इसमें तेल ज्यादा हो गया, तुम कैसे यार धीमी खोले हो जा की वजह से, झुका रखे जा मैं मेथी, तो मेथी का मारे डाली जा सब्जी में, तो तुम कैसी कुशल ग्रेडी हो, अच्छा तो चलो ठीक है, जब बन जाती है तो उसके बाद फिर दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये देखो सब्जी बन के तैयार हो गई है एकदम, ये देखो गरम ही गरम खा लियो, देखना तो ऐसे का पता चल जाती बन गई है, तो तुम्हें सब जान गा रही है, चलो ठीक है तो सब्जी बन गई है, ये देखो चलो ठीक है। तो अभी हम सब्जी बना के आ चुके हैं और सुबह बारिश हुई थी, ऐसे ही देखो आज फिर से बारिश होने लगी है। और अब हम आपको मौसम दिखाते हैं, बहुत सुहाना सा मौसम है, बहुत कस की हवा रखी है, देखो देखो भाई बहुत कस की हवा आ रही है। तो अभी हम आपको अपना मौसम दिखाते, ये देखो कुछ ऐसा मौसम हो रखा है,
ये देखो बहुत काले काले बादल छाए हुए हैं। ये देखो भाई भाई मैं तो देख के डर जा रहा हूँ। ये देखो तो हवा चल रही है। ये देखो सामने हवा आप लोगों को दिख ही रही होगी, और ये भी देख लो सामने, ये देखो भाई कितनी कस के पेड़ हिल रहे हैं। और ये भी देखो सामने का व्यू देख लो आप, ये देखो कितनी कस के आंधी आ रही है। ओ भाई मैं तो डर रहा हूँ। और अभी देखो पानी की बूंदें भी आ रखी हैं। ये देखो पानी की बूंदें आ रही हैं। ये देखो सुहाना सा मौसम है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को पूरा देखें। और मेरे चैनल को नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ भाई। कोई लाइक नहीं करता है ना कोई सब्सक्राइब करता है भाई, दिल से बुरा लगता है। प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़ भाई। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। बहुत कुछ क्या नहीं आ रहा है, ये देखो भाई मैं तो अड़े ही जा रहा हूँ और ये गेट मेरा बहुत ही टूट रहा है। तो चलो मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए।